मैंने अपनी नानी को काफी ज्यादा मिस कर रहा था, तो नए साल में चेंजेस तो बनते, तो ये सोफा भी चेंज कर लेंगे। तो ये है जी यहाँ पे सोफे, ये 4.5 का सेंटर टेबल है। अब डाइनिंग टेबल देख रहे हैं, डेकोरेशन का सामान अच्छा है यार। इसके क्या प्राइस है? 42,000 का पड़ेगा। इंकी पिंकी पोंकी तेरा। So, hello guys, welcome back to Take It Easy Vlogs. I hope कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो guys, थोड़ी देर पहले उठे हैं हम और मैंने तो भाई बाहर से लोहिया पहन लिया, मेरे को लग रही थी ठंड। और अभी हमें ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करनी है, अंजना कर ही रही है वो प्रिपेयर। और आज हमारे ना थोड़े बहुत प्लान्स भी है, तो प्लान्स क्या रहते हैं और कैसे रहते हैं सब कुछ आपको पता चलेगा इस ब्लॉग में। तो करता हूँ इस ब्लॉग की शुरुआत, तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। हाँ जी मैडम जी, सुबह सुबह क्या करा जा रहा है? कुकीज, वाह जी वाह। पापा लेके आए ना जो कल रात, वो वाली है। वही वाली कुकीज खाओगे? खा सकते, थोड़ा टेस्ट तो करना चाहूंगा। क्या है ना, एक घंटा हो गया जब से उठे हैं, दो घंटे यही सोचते हो कि एक्चुअली आज बृहस्पति है। मेरे ना जो बृहस्पति के फास्ट है वो पूरे हो गया है, तो आज मुझे ना उसका उद्यापन करना था, बट अब लेट हो गया क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ पे मंदिर बंद हो जाते हैं। मैंने मंदिर पे जाके करना था और वो सुबह करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। सही बात है, शुभ रहता है वो। फिर ना अब सूर्यास्त हो जाएगा तब तक ना, तो फिर मैंने सोचा कि खा ही लेती हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ फिर कुछ बनाऊंगी ध्रुव के लिए। अब नेक्स्ट वीरवार को ना मैं खुद ही चल जाऊंगी, ध्रुव का तो काम होगा ना ऑफिस का, मैं खुद ही चल जाऊंगी। इसको आप खिला दो, इसको भी खानी है कुकीज। ये भी एकदम से इधर आ गया कि भाई कुकीज खाते हैं। और इस बार तो पापा दूसरे वाली कुकीज लेके आए हैं, एंड में आपको रिव्यू दूंगा कि कौन से वाली बेस्ट है। आपकी तो हैवी नहीं है ये। तो क्या हुआ, टेस्ट तो हम ही करेंगे। अपना रिव्यू रेडी है, मेरे को सबसे बेस्ट एक ही लगे हैं अभी तक, वो कौन से है बताओ? ये वाले। मेरे को चॉकलेटी भी ठीक ठीक लगे, ये वाले थोड़े पसंद नहीं आए हमें, पर ये बेस्ट है। और ये सबसे पहले यही डब्बा खत्म होएगा, मेरे को लग गया पता। चॉकलेटी वाले कुकीज तो ना प्रीति दीदी के बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। देखो ना, मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था। अच्छा। वो बहुत परेशान है। हुँ। क्योंकि ना उसका जो बेटा है ना वो मैथ्स में अच्छा स्कोर ही नहीं कर पा रहा है। अच्छा। इवन वो सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर पा रहा है, पर मैथ्स में पिछले 2 साल से वो अच्छा स्कोर ही नहीं कर पा रहा है। इवन ट्यूशन भी लगाई है। तुमने बोला कि आपका तो मैथ्स इतना अच्छा है, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ मुझे भी आप ही पढ़ा दो, तो कोई टिप्स है जो उसको दे सके? मतलब वो बोल रही थी आज बहुत परेशान है। यार वैसे मेरे को तो मैथ्स का पहले से इंटरेस्ट रहा है और मैं तो प्रैक्टिस करता ही रहता था, इसको पता ही है। वैसे अभी भी मैं मैथ्स जब देखता हूँ मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। आज की जनरेशन में तुमने देखा ही होगा कि कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, पढ़ाई मुश्किल हो गई है। फिर अब मेरे को ना एक लड़की के बारे में पता चला है, उसका नाम है नीलकंठा भानु और उसको बोला जाता है वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। हाँ जी, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस लड़के ने गोल्ड लाया है, हमारे नेशन को रिप्रेजेंट किया है ग्लोबली। वो था मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ क्या, इसी लड़के ने ना एक अपना कोर्स भी बनाया है, भानु नाम से कोर्स है, जिसमें छोटे बच्चों को ना मैथ्स पढ़ाते हैं बहुत ही फन एंड इंटरेस्टिंग वे में। और इस लड़के ने खुद ही डिजाइन किया है पूरा कोर्स। Okay. और सारे टीचर्स ट्रेन कर रहे हैं, तो मेरे को तो भाई फुल कॉन्फिडेंस है इस चीज में कि भाई इस लड़के का कोर्स काफी बेस्ट होगा, क्योंकि इसने पूरी ना जो जो अपनी टेक्निक्स यूज करी है वो सारी टेक्निक्स बताई है। और सबसे अच्छी चीज, फर्स्ट 100 पेरेंट जो रजिस्टर करेंगे इस लिंक में, उनके बच्चों को फ्री डेमो क्लास मिलेगी। फ्री में मिल रहा है, डेमो क्लास है, इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? मतलब मैं तो अभी उसको फोन करके बोलने वाली हूँ कि जल्दी से जाए और रजिस्टर करे और फर्स्ट लकीएस्ट 100 पेरेंट्स में आए। लकीएस्ट 100 पेरेंट्स, बाकी पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, एक बार जरूर देखे, काम की चीज है, आपके बच्चों के लिए बहुत काम की। डेफिनेटली यार, बच्चे मैथ्स में होते हैं अभी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। और जैसे आपकी फ्रेंड है, वैसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आती है, एक फ्री डेमो क्लास देखे देखे क्या पता बढ़ जाए बात। और गाइस जो कमेंट पिन किया है ना उसमें एक बार लिंक कर लो, क्या पता फर्स्ट 50 आप ही निकलो टेक इट इजी से। मुझे तो लग ही रहा है एक होएगी होएगी, मैं उसको अभी बोलने वाली हूँ। मैं झाड़ू मारूंगा थोड़ा बहुत ना, सफाई करना भी जरूरी है। और थोड़ी हेल्प करवा दो अपनी वाइफ की, क्या जाना है, अगर आप फ्री हो आपकी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है इस बहाने, और फिट भी रहते हो आप और घर भी साफ रहता है। तो ब्रेकफास्ट बना। हाँ हाँ, कोई नहीं तुम बनाओ यार, तुम्हारी हेल्प करना मेरा फर्ज है। जरूरी है ना यार हेल्प करना, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो हाँ भाई, तेरे को भी मारना मेरे पीछे पीछे, आटा रहता गोंदो पोचो, फर्ज पूरा करेगा ये भी। चलो यार करते हैं। सेवी यहाँ से ना चेक कर रहा है कि मैं झाड़ू ढंग से मार भी रहा हूँ कि नहीं मार रहा हूँ। ये भी फुल साथ दे रहा है मेरा झाड़ू मारने में।
इसने पूरा साथ दिया मेरा, मेरे साथ पीछे पीछे घूम रहा बैल्कनी में, मैं गया देख रहा मेरे को पीछे से। ये हमेशा ऐसे करता जब मैं भी झाड़ू या पोछा कुछ भी मार देने पीछे पीछे आता चेक करने के लिए। सास है मेरी साल एक गोंज बोचे। ना के आओ तुम खाना बनाओ फटाफट, जल्दी जाओ ना के आओ। तो गाइस हो चुका हूँ नहा धो के फ्रेश, आज मैंने येलो पहना क्योंकि आज थर्सडे, और ना सुबह सुबह मैंने अपनी नानी को काफी ज्यादा मिस कर रहा था, और नानी का सुबह सुबह ही मेरे को थोड़ी देर बाद कॉल आ गया। तो देख रहे हो कितना बढ़िया कनेक्शन होता है, अगर आप किसी को दिल से याद करो ना अपने आप ही आपको ऐसे कोई ना कोई वे में ना बात हो ही जाती है। तो बड़ा अच्छा लगा नानी से बात करके, और आज मैंने सोच रहा हूँ कि बहुत दिन हो गए नानी से, तो हम पता नहीं कब तक मिलेंगे, मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे, पर मैं आज नानी की दी हुई चेन जो नानी ने हमें दी है, सब बच्चों को दी है नानी ने, तो आज मैं ये चेन पहनना चाहूंगा। अगर मैं नानी को मिस भी कर रहा हूँ ना, तो इसके थ्रू उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। वैसे हमें नानी से मिलने जाना था बट अब फिर से बिजी हो गए, तो अब मिलेंगे तो जरूर जब नानी शिमला आएंगे, है ना, फिर हम डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि गाँव में ऐसा है कि बर्फ भी पड़ सकती है। ये लो जी ब्रेकफास्ट हमारी मैडम ने लगा दिया है, ये देखो जी रियल प्रैक्टिस कर रही है लड़की, डलेगी। जाने से पहले एक काम था इम्पोर्टेंट, वो था कि भाई सोफे की फोटो खींचनी थी मुझे। एक्चुअली गाइस क्या है ना, हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम ना चेंज कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया अब अपने घर में, पता नहीं हम कब शिफ्ट हो गए, तब तक ना ये खाली खाली लगता है फ्लैट, इसलिए हमने कर्टन्स और थोड़ा सा डाइनिंग टेबल, क्योंकि हम यहीं पे अभी खाना खाते हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सा चेंज लाते, नया साल आने वाला है ना यार, तो नए साल में चेंजेस तो बनते, तो ये सोफा भी चेंज कर लेंगे, और सेवी को भी समझाना पड़ेगा कि सोफा खाना नहीं है। पर ये है कि देखो अभी भी नया जैसा लगता है, थोड़ा चेंजेस करते हैं, अब देखते जाके फर्नीचर मार्केट में कैसे है जरा यहाँ पे, है ना, पापा वेट कर रहे हैं, अब तो सच में चलो जी चलो चलो ठीक है फिर। इंकी पिंकी डोंकी मेरा सेवी पोंकी, कुछ ऐसी थी ना रील जो मैंने बनाई, वो चाबी से खुलेगा। इंकी पिंकी डोंकी मेरा सेवी डोंकी तेरी है वो रुकी। हेलो जी आए हम बहुत जल्द नया सोफा और नया डाइनिंग टेबल देख के, बाकी लेट्स सी क्या डील मिलती है, अगर बन गई बात तो डेफिनेटली आज ही कर लेंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बल्टाना फर्नीचर मार्केट जो बहुत ही ज्यादा फेमस है यहाँ, हाँ पुरानी भी बहुत है ना, ये दिखा देते हैं आपको, ये है बल्टाना फर्नीचर मार्केट, और यहाँ पे ढूंढना है हमें पापा को, और यहाँ लाइन में अंजू फर्नीचर की शॉप्स है, यहीं से शुरू हो जाती है, पूरे आगे तक बढ़िया बढ़िया फर्नीचर की शॉप्स है, तो अब आगे गई पापा ने बोला कि वेट कर रहे हैं, तो वहीं पे पापा से मिलते हैं और दुकान चूज करते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। नया साल आ रहा है, कुछ घर पे नई चीजें होनी चाहिए, तो अच्छा लगता है घर भी और खुद को भी अच्छा लगता है। ए भाई साहब गाड़ी लगा के कहीं चले गए वाले, ये देखिए एक्चुअली ये सिंगल रोड है ना, उस वजह से इसमें ऐसा होता है, बीच रोड पे गाड़ी लगाओगे तो ट्रैफिक जाम होना ही होना है। ठीक है तो पापा मिल चुके हैं हमें, बढ़िया दुकान के बाहर रुके हैं पापा, यहाँ पे लाइन में ही सारी दुकानें हैं, पहले अपनी गाड़ी लगा देते, थोड़ा सा टाइट है कंजेस्टेड है जगह। ओ भाई पापा कैसे जा रहे थे स्पीड में ना, ऐसे नहीं करना चाहिए इनको, अरे इनको आदत है खेले कूदे ये यहाँ पे, खेले कूदे तो है, बट बाइक वो थी ना बस जा रही थी, थोड़ा सा डर तो लगता है। तो यहाँ से शुरू करने का सोच रहे हम लोग, ये वाली चेयर्स तो है ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शंस तो यहाँ मेरे को कम दिख रही है वैसे, एक ये है एक ये है, बाकी जो टेबल्स है ये वाले, बाकी बेड बुड के तो है ऑप्शन यहाँ पे, ये बेड मिल रहा है जी 14,000 में यहाँ पे, यहाँ देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। हाँ जी तो ये है जी यहाँ पे सोफे, हमें बट अपने साइज के हिसाब से देखना पड़ेगा अपने ड्राइंग रूम में कितना कर साइज का सोफा फिट होगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वाला, हाँ यहाँ पे तो हाँ मंदिर बहुत ज़्यादा है, देखते हैं ऊपर चल के हमारी सोफी की चॉइस अगर में मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत पुराना है ये डिज़ाइन सच में बहुत पुराना है, और नहीं तो क्या है विदाउट सेंटर टेबल, इसमें ग्लास लगेगा भैया ऊपर, ये 4.5 का सेंटर टेबल है, ये लमसम 6,000 रुपए के रेंज में है, सेम कपड़ा है, अच्छा कपड़ा सेम है, लेदर लुक का दे रहा है, हाँ कलर का फर्क, ये सेम कपड़ा है सोफे में जो लगा हुआ, हाँ कपड़ा सेम कपड़े हैं, मतलब कलर का फर्क, 5 ईयर गारंटी में 8,000 की दो चेयर है, हाँ नाइस ठीक लगेगा, सर गारंटी भी एकदम नहीं है, 2 साल है, इसके साथ ये भी है टेबल जैसे भी है छोटे, सब
और यहाँ पैसे रखने के लिए थोड़ा बनावट कौन सा अब डाइनिंग टेबल देख रहे हैं, ऑप्शंस तो अच्छी है, कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि हम अपने बजट को भी चाहते कि मध्य ध्यान रखे बजट में मैं ले आऊंगा आप टेंशन ना लो। चलो भैया बोल रहे कि हमारे बजट में ले आएंगे। हम डायरेक्ट गोडाउन में आ गए जहाँ पे इनका पूरा फर्नीचर बनता है। तो भैया बड़े नाइस है कि हमने इनको सोफा अच्छा ये टेबल होगा हाँ 4x3 का साइज है सब ठीक है। ये कुर्सी हो जाएगी ये कुर्सी है सही बोल रहे भाई बहुत बढ़िया है यार लकड़ी तो बहुत बढ़िया है अंजू ऐसे पैकिंग देखो कितनी बढ़िया हो रखी है वाह चेयर है तो भाई सॉलिड है जो भी बोलो नाइस भाई अपनी दुकान का नाम बोल दो जयमा फर्नीचर बल्टाना में तो यहाँ इनके पास भैया के पास बहुत अच्छा फर्नीचर है घूमते हैं अगर 10-12 जगह उससे अच्छा यहीं पे हमारा सारा फाइनल हो गया एक ही दुकान में और भैया का मानना है कि एक बार इनकी दुकान में जो आ गया तो वो खरीदवा के ही भेजते हैं सबको आता ही आता है कन्विंस पावर बहुत अच्छी है भैया का कार्ड है तो जरूर आए नंबर भी लिखा हुआ है अगर आपको लोकेशन नहीं पता चल रही तो एड्रेस भी लिखा है SCO No. 8 निर्मल स्टेट फर्नीचर मार्केट बल्टाना आप दोनों की पसंद भी तो है नहीं पसंद नहीं है सोफा आ गया अपना डाइनिंग टेबल आ गया वो आएगा परसों क्योंकि कल मेरा ऑफिस है तो हमने सोचा कि इनको पूरा टाइम देते हैं अच्छी सी फिनिशिंग देगी उस चीज को और अब चलते हैं वापस हम अपने घर की तरफ क्या मॉल चलना है देखते हैं ट्रैफिक नहीं हुआ तो फिर पक्का मॉल आज मेरे को लगता है मौसम ना खराब हो गया बर्फ ना पड़ जाएगा ऊपर पहाड़ों में हो सकता है भाई रात के टाइम इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना सीरियसली यार मेरे को एक बार तो ऐसा लग रहा था कहीं बर्फ ना पड़ गई हो बट अभी नहीं पड़ी है मैंने नानी से कंफर्म किया है बुला रहे थे वैसे हमें अंजना कि बोला आ जाओ पूजा के लिए बट कहाँ छुपा तो बहुत दूर पड़ जाता है और अब तो बिजी भी है ना तो काम में भी ध्यान देना पड़ेगा बिल्कुल 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 ये वाली साइड मेरे को बहुत ही सुंदर लगती है अभी तो सनसेट हो गया है पर यहाँ पे जब सनसेट होता है ना अल्टीमेट लोकेशन है यार और ये है जी अपना ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट ये भी बढ़िया है वैसे यार अगर आप घूमना फिरना चाहते हो जरकपुर के अंदर तो यहाँ आओ शॉपिंग भी करो और खाओ भी हो भी बढ़िया मतलब फुल ऑप्शंस लोकेशन भी अच्छी है व्यू भी अच्छी है घूमने के लिए और रील्स वगैरह फोटोज वगैरह बहुत अच्छी बनती है देखो जी कॉस्मो मॉल में रश नहीं है तो मैंने अंजना को प्रॉमिस किया था कि चले गए मॉल एक्चुअली गाइस पता क्या ना मैं देखना चाहती हूँ कि क्रिसमस के लिए मॉल सजाए कि नहीं सजाए बस मुझे यही देखना और अपनी ड्रेस भी देख लियो अगर पसंद आती है कोई अगर कुछ अच्छा मिलता है मतलब ऐसी ड्रेस नहीं लेनी है मुझे क्रिसमस के हिसाब से ही लेनी हाँ तो बस इतना ही बोलेगी अंजना इससे ज्यादा नहीं बोलेगी हाँ जी अंदर देखनी है ड्रेसेस लैंडमार्क में नहीं नहीं मॉल चलना अंदर ही चलना डायरेक्ट चलो फिर अंदर चलते हैं क्रिसमस के लिए सजा होगा चलो लेट्स सी अंदर जाके देखते हैं अंदर मेरे को उम्मीद कम है बाहर ही सजा होता है वैसे मैक्सिमम टाइम पर ये है कि वही पुराना है अभी याद आया मेरे को यहाँ पे बिगीज बर्गर है वाह मसाज अच्छा ना बर्गर खाएगी मैं तो खाने की चीज़ देख रही भूख लगी है मेरे को वाह यहाँ पे भी है टेबल टूबल चेयर चूअर देखना देखो अंदर सजाने की चीज़ें देखो ये कितना प्यारा है यार ये वाला लैम्प है ये शायद कितने का है 14,000 का है ये वाला भाई देखो भाई कितने बढ़िया है डेकोरेशन का सामान अच्छा है यार नहीं देखने कितने सारे ऑप्शंस है अपने पास थोड़ा कॉस्टली है पर चीज़ें अच्छी है सोफ़ा सोफ़ा भी है पर महंगा होगा भाई ये वाला ये ना बाहर से ये है ये चीज़ बढ़िया ये देख अंजू ये ले सकता हूँ अपने लिए भैया इसका क्या प्राइस है 42,000 का पड़ेगा 42 एक सिंगल ही
यार बड़ा है तो कॉस्टली पर है चीज़ अच्छी है ना। वो देखना किंग एंड क्वीन वाली चेयर। और ये शीशा कितने का है? 27,000। हेलो ये 27,000 का है। और ये 40,000 का है। और ये चेयर कितने की भैया? सिंगल चेयर सिंगल आपको 8,000 की पड़ेगी। 8,000 पूरा सेट तो पूरा सेट आपका वही पड़ जाएगा 32,000 का। विद टेबल? नहीं टेबल चेयर टेबल का कितना है? टेबल 15,000 का टेबल है। तो यहाँ पे जितना भी सामान है डिजाइन इन कैनेडा है ब्लैक लेबल बोल रहे हैं। ये देखिए अंजो। हाँ ये पॉइंट अच्छा लग रहा है मेरे को काफ़ी। लाइटिंग भी अच्छी है यहाँ पे। वाह यो चाइना और बिगिस बर्गर। मैं करूँगा ट्राई बिगिस बर्गर क्योंकि मेरे को पसंद है बिगिस बर्गर। पर यहाँ पे अच्छी पहले स्क्रीन बना सकते हो यार उसके बाद ही नेक्स्ट करेंगे। यहाँ देख पीछे वैसे ये वॉलपेपर भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस हमारा ऑर्डर तो आ गया था बट हमने क्या सोचा कि हम घर पे खाते हैं है ना यार। सेवी फिर अकेला होगा ना फिर यहाँ पे क्या खाना। और तेरे पीछे बैकग्राउंड कितना बढ़िया लग रहा है देखो जरा इस साइड। कोई नहीं यार रील का क्या है एक तो ना म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में तो इसको गाना भी सुनाई दे रहा है। बट कोई नहीं अपने खाने की बढ़िया मील होगी यहाँ पे ना बढ़िया मिलता है बर्गर अच्छे हैं। मैकडी के बाद अगर तुमको कुछ पसंद आया तो बिगिस बर्गर अच्छे लगा। पार्सल इज डन। मेरे पास नहीं है देखना कि नहीं चला के जेब में डाल देती है। ये कोई वो है बैग है जो जेब में जो मन है। ये लेमनेड है इस वाले में चलना उल्टा ना जाना फिर तो छूटेगा पक्का 110%। मूवी तो देखनी फिर। चलो भाई चलो नेक्स्ट टाइम अंजना को यहाँ पे आना है। जयपुर में भी दिलाया था ना तेरे को इस ब्रांड। तो गाइज यहाँ से ले ली हमने सब्जी अब टेंशन फ्री हो गए भाई सब्जी की भी। नहीं तो कल ध्रुव का ऑफिस है ना ऑब्वियसली तो फिर सब्जी लेना जरूरी था। पता नहीं ध्रुव का अच्छा दिन जाए कल। अच्छा तो सब्जी की लाके भेजेगी। सब्जी की लाके अच्छे से खाना खिलाके। इंकी पिंकी पोंकी सेवी मेड अ डोंकी। ओ नहीं 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 डोंकी थोड़ी है ये तो बहुत गुड बॉय है। आगे बेटी गुड बॉय। चले लाए हम बर्गर सेवी बिगिस बर्गर बर्गर ये। तो भाई एक दो दिन बाद ये पूरा चेंज होने वाला सेटअप यहाँ से पूरा चेंज होके और यहाँ पे भी लगने वाला डाइनिंग टेबल और यहाँ लगेगा हमारा नया सोफा। कल मुझे ना पूरा घर साफ करना है ना। हाँ कल आपका ये टास्क रहेगा। ये देखो आ गया सेवी से मिलो भाई ऐसे कैसे। सेवी बोलता है भाई ये क्या मतलब है। हाँ ये तेरा लास्ट है सेवी। जे अगर तू सोफे पे आया जे तू सोफे पे आया इसने कुछ इसने कुछ किया तो नहीं आज किया तो अच्छा इसको घूमना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है अब से सोफे पे बिल्कुल नहीं आना बेटा। अब नहीं अब इसके लिए पता क्या है ये पूरे में खेलता रहता है ना यहाँ से अब वहाँ डाइनिंग टेबल लग जाएगा तो इसको ऐसा थोड़ा स्पेस तो कम हो जाएगा पर ये है कि अच्छा लगेगा घर उस बात की खुशी है। अब पर्दे भी हमें देखने चार तो देखने पड़ेंगे मिनिमम यहाँ के लिए पर्दे वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे। अभी पहले एक बार सोफा आ जाए अपना डाइनिंग टेबल आ जाए और उसके बाद कैसा रहता है वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। और हमने कौन सा वाला लिया है मतलब अभी के लिए जब तक फिलहाल हम इस घर पे आए तो हमने सोचा जिस घर पे भी जहाँ पे रहते हो वो अपना घर ही होता है तो उसको अच्छे से रखो और अच्छे से रहो। और हमें बहुत ऐसा लग रहा था कि यार हम यहीं बैठते हैं यहीं खाना खाते हैं तो डाइनिंग टेबल इज मस्ट बट हमें ताकि जल्दी चेंज करेंगे बट उसमें टाइम लगेगा अभी तो फिर बाकी कैसा रहता है क्या रहता है हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कैसा जचेगा यहाँ पे और आप लोगों को भी दिखाते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए करता हूँ इस ब्लॉग को एंड। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। देखते रहे डिग्री सी ब्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग्स। बाय बाय।